दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने शुक्रवार को एक फैक्स भेजकर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को तुरंत दिल्ली आने को कहा है। उपराज्यपाल ने डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों का हवाला देते हुए कहा कि ऐसे में दिल्ली को उनकी जरूरत है। मनीष इस वक्त शिक्षा विभाग से जुड़े एक टूर पर फिनलैंड की यात्रा पर हैं। सूत्रों के मुताबिक फैक्स में कहा गया है कि नियम के हिसाब से अगर मुख्यमंत्री छुट्टी पर हैं तो कैबिनेट के फैसलों और फाइलों में हस्ताक्षर का काम डिप्टी सीएम का है। वहीं आदेश के तुरंत बाद सिसोदिया ने ट्वीट कर सफाई दी है। उन्होंने लिखा कि मैं दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था सुधारने में लगा हूं और मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। दुनिया से अच्छी चीजें सीखना गलत तो नहीं, मैं छुट्टी नहीं मना रहा हूं। वहीं इस पर कपिल मिश्रा ने तंज कसते हुए जंग को लेटर में लिखा है, कल मनीष जी को फैक्स भेजने से दो दिन पहले तक आप अमेरिका में छुट्टियां मना रहे थे। मेरे मन में एक सवाल है, शहर में चिकनगुनिया और डेंगू फैला हुआ था पर आपने अपनी छुट्टियां बीच में नहीं खत्म की, कोई खोज खबर भी नहीं ली। दूसरी ओर आने के 24 घंटे में मनीष जी को काम तक छोड़कर वापस आने का फैक्स, कुछ समझ नहीं आया सर। भले ही कपिल मिश्रा ने एलजी पर तंज कसा हो पर कहीं ना कहीं उनकी बात में दम है, लेकिन यहां जरूरत है कि राजधानी में फैली इस बीमारी के खिलाफ मिलकर लड़ा जाए, ना कि राजनीति की जाए। देखते रहिए डीबी लाइव।